मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मुझे पता है इस कोरोना के पेंडेमिक में कितने सारे बर्थडे आ रहे होंगे और केक तो हम ला ही नहीं सकते, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से। मजे ही आ जाएंगे। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना बेल आइकन को ऑन करके। अरे छेड़ना मत, वैसे ही रखना, ठीक है? तो चलो हम बनाते हैं। हमें अपने बिस्किट केक को बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। हमें चाहिए मिल्क, ऑयल, बर्तन जिसमें हम बैटर बनाएंगे, इनो और वनीला एसेंस, या आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, और ऑफ कोर्स बिस्किट्स। मैं पार्ले जी और बबन ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। तब हमें पैकेट्स को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे बिस्किट्स के पैकेट को खोल लिया है। अब हम इनको तोड़ देंगे पाउडर बनाने के लिए। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं और मिक्सी में भी चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे बिस्किट्स का पाउडर बना लिया है और अब ये कुछ ऐसा लगेगा। और फिर हम इसमें दूध डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही डाल दिया इसमें, ऐसा नहीं, हमें अपने पाउडर के हिसाब से दूध डालना है। ओके, देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा स्मूथ बैटर बन गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इनो। मैंने इनो डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अब हम मिक्स करेंगे। अब जिस बर्तन में भी हमें केक बनाना है हम उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने रख रखा है इसे ग्रीस करके। अब हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे डैप करेंगे। अब हम इसको रख देंगे माइक्रोवेव में फॉर 5 मिनट्स। अब चलो हम मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद। देखिए दोस्तों, ये केक अब रेडी हो गया है। 5 मिनट माइक्रोवेव में रखने के बाद मैंने उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। ये तो अभी से खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना फ्लफी है। अब हम इस केक को करेंगे डेकोरेट। मैं जैम से कर रही हूँ, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट और चॉकलेट से भी कर सकते हैं और इसके ऊपर क्रीम भी लगा सकते हैं, पर मुझे तो ऐसे ही पसंद है।
अब देखिए मेरा केक डेकोरेट हो गया है और मेरी जेम्स है ना वो भी बहुत अच्छी है ना, तो अब मैं इस करूंगी केक को टेस्ट। बहुत अच्छा है, तो मुझे तो खाने में बहुत मजा आया। यम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है और इतना सॉफ्ट और फ्लफी है, आराम से मुंह में गल गया। मैंने इस केक की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इस केक को घर में जरूर बनाइएगा। जिसको भी केक पसंद है वो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको ये रेसिपी पसंद आई है और वो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो है किड्स गार्डन विद निष्ठा भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। अरे यार क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ किचन में केक बनाओ, जाओ जल्दी। मैं तो ये केक खत्म कर दूंगी, आप जाके केक बनाओ।